आपको पता इज़राइल देश में क्या हो रहा है, और ये इज़राइल देश के जो लोग हैं किसके लोग हैं? हाँ, किसी ने सुनी खबरें, सुनी कहीं? हाँ, क्योंकि इज़राइल के ऊपर फिलिस्तीनियों ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। उन्होंने रॉकेट छोड़े, क्या छोड़े, उन्हें खत्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो इज़राइल देश के लोग किसके लोग हैं? परमेश्वर के लोग, जो सबसे पहले, हमसे भी पहले परमेश्वर ने उन्हें चुना। क्या चुना? हमसे भी पहले परमेश्वर ने उनको चुना। और ये वो देश है जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसने अब्राहम से ये वाचा, ये प्रतिज्ञा की कि तेरे बाद ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। क्या दूंगा? प्रतिज्ञा की परमेश्वर ने उससे, क्योंकि वो परदेशी होकर किसी और देश में रहा। क्या रहा? परदेशी होकर वो किसी और देश में रहा, फिर उस देश में अकाल पड़ा और कहां पे चला गया? कनान देश में। और वहीं पे परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, बेटा दिया, और उसने कहा तेरे बाद ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। क्या दूंगा? फिर लिखा उसके बाद फिर अकाल पड़ा उसी देश में, जब उसका अब्राहम की तो मौत होगी, उसी देश में फिर अकाल पड़ा, उसका बेटा इसहाक बड़ा हुआ, उसके भी बेटे हुए। आगे आगे समझ रहे हो? और फिर इसहाक भी की मृत्यु हुई, और उसके आगे वाला जो वंश था, अगले वाली पीढ़ी, जब अकाल पड़ा तो लिखा उस देश में जो अनाज था वो खत्म हो गया। क्या हो गया? और अनाज लेने के लिए कहां पे जा रहे थे? क्योंकि सिर्फ मिस्र में अनाज था, कहीं और पे नहीं था। हाँ, क्या था उसमें? उस देश में अनाज मिलता, और वो सब अनाज लेने के लिए वहां पे चले गए। और वहां पे जकूब का जो सबसे छोटा बेटा था, जिसे उसके भाइयों ने बेच दिया और वो मिस्र में जाकर रहा, और परमेश्वर ने उसे मिस्र का क्या बना दिया? राजा, प्रधानमंत्री। हाँ, और जब उसके भाई आई तो उसने पहचान लिया। हाँ, फिर उसने उन्हें कहा कि अपने पिता के बारे पूछा, उसने कहा पहले उसे भी लेकर आओ तब मैं दूंगा। फिर वो सब उसी देश में रहने लगे। क्या रहने लगे? उसी देश में रहने लगे। और तब लिखा यूसुफ मरा, और उसके बाद कोई दूसरा राजा खड़ा हुआ जो उसकी दूसरी पीढ़ी वाले लोगों को दुख देने लगा। क्या देने लगा? दूसरी पीढ़ी के लोगों को दुख देने लगा। और तब उस पीढ़ी के लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, और तब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा उन्हें छुड़ाने के लिए। क्या लेने के लिए? छुड़ाने के लिए। और जब परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया और मिस्र की गुलामी से अपने लोगों को छुड़ाया, क्या छुड़ाया? और छुड़ाने के बाद परमेश्वर ने उनसे एक प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे वही मनोहर देश जिसमें दूध और शहद की नदी बहती है मैं तुझे दूंगा। क्या दूंगा? यही कनान देश जिसका नाम इज़राइल पड़ चुका है। क्या बन चुका है? इज़राइल। क्यों पड़ चुका है? क्योंकि परमेश्वर ने जकूब को कहा, जब आशीष दी तो उसे कहा आज से तेरा नाम जकूब नहीं, तेरा नाम क्या होगा? इज़राइल। क्या होगा तेरा नाम? इज़राइल। इसलिए आज उस देश का नाम, हाँ, ये देखो हजारों साल पहले की बातें और इसमें लिखी। हाँ, और ये हकीकत है, आज सत्य है, ये सामने। उस देश का नाम जकूब से परमेश्वर ने कहा तू जकूब नहीं, तू इज़राइल है। और आज उस देश का नाम जकूब के नाम से इज़राइल देश पड़ा है। छोटा देश है पर मनोहर देश है, और वो चारों तरफ अरब कंट्री, जो मुस्लिम की कंट्री है, उससे घिरा हुआ है। और उसी मुस्लिम कंट्री ने अभी गाजा शहर, हाँ, फिलिस्तीनियों का गाजा शहर के जो मुस्लिम है उन्होंने रॉकेट छोड़े, उन पर अटैक किया। उसका कारण क्या?
क्योंकि वो एक ऐसा देश है, क्या एक ऐसा देश है, अगर किसी ने यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका मतलब जाना है तो उसी देश से होकर जाना पड़ेगा, हाँ उसी से। और इसीलिए जो बाकी अरब कंट्री वो चाहते हैं कि हम उस देश पर क्या करें, कब्जा कर लें, क्या कर लें, क्योंकि वो पार का देश है, उसमें बहुत वो पार है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम उस देश पर क्या करें, कब्जा करें। और आज से बहुत साल पहले 5 देश के लोगों ने, अलग अलग कंट्रीज के लोगों ने, जिसके नाम में मैं अभी आपको बताता हूं, हाँ तो जिनके नाम ऐसे लिखे हैं, मिस्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लोआन, जैसे 5 देश हैं जिन्होंने मिलकर इसराइलियों पर क्या की थी, चढ़ाई की थी, उन्हें खत्म करके लिए। और इनकी गिनती पता कितनी थी, जे 5 देश के लोगों की गिनती 40 करोड़ लोगों की गिनती वाले देशों ने उन पर चढ़ाई की। और इस साइड इसराइल सिर्फ 85 लाख की आबादी, कितनी आबादी उनकी, 85 लाख, और उस साइड 40 करोड़ 85 लाख लोग आबादी वाले देश ने उन्हें, 40 करोड़ की आबादी वाले लोग, इतने 5 देश जो मिलकर उस पर अटैक किया, उन्हें क्या कर दिया, हरा दिया। क्यों? क्योंकि उनके साथ कौन था, परमेश्वर था। क्या था उनके साथ, उनके साथ परमेश्वर था, परमेश्वर। इसीलिए आज इसराइल इस जीत की खुशी हर जून के महीने वो मनाते हैं, हाँ, जो मुस्लिम रमजान का महीना बोलते हैं, जून के महीने को क्या बोलते हैं, रमजान का महीना, हाँ। और इसी महीने में इजरायली लोग, इजराइल देश के जो निवासी हैं, वो इस खुशी में जश्न मनाते हैं। क्या मनाते हैं, जश्न मनाते हैं कि हमने 40 करोड़ लोगों को हराया है, और वो हर साल ऐसे करते हैं। और इस बात को लेकर मुस्लिम अरब कंट्री जो, हाँ, उनके मन में क्या उठती है, जलन। और वो जलन किसकी ओर से, शैतान की ओर से, क्या है, शैतान की ओर से, समझ आ रही है। इसीलिए उन्होंने ये अभी जून का महीना आने वाला और उसकी खुशी की, जश्न की तैयारी हो रही है, और उससे पहले, हाँ, फिलिस्तीनों ने गाजा से, हमाम ने ऐसे रॉकेट छोड़े उनके ऊपर, पर उनकी वो बुद्धिमान लोग हैं, क्योंकि किसके लोग हैं, किसके लोग हैं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले, इतनी बुद्धि परमेश्वर ने दी उन्हें, उन्होंने सब चीजें पहले से सेट कर रखी, हाँ, जितने रॉकेट उन्होंने छोड़े, उन्होंने उनको अपने रॉकेट से हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया, उनका नाश कर दिया, कोई नुकसान नहीं हुआ, हाँ थोड़ा बहुत हुआ होगा, पर ज्यादा कुछ नहीं नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ, ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, समझ आ रहे हो। और ये बातें बाइबल में प्रूफ है, मिलती हैं, आज भी हजारों साल की बातें आज भी बाइबल में प्रूफ है, मिलती हैं, समझते हो। और ऐसा समय आने वाला है, हाँ ऐसा समय आने वाला है कि जब लिखा, जितने मुस्लिम कंट्री हैं, जितने अरब कंट्री हैं, वो सारे 22 से लेकर 27 या 40 ऐसे कंट्री हैं, वो पूरे के पूरे जितनी मुस्लिम अरब कंट्री, वो इसराइल पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, एक साथ मिलकर क्या करेंगे, एक साथ मिलकर उस पर अटैक करेंगे। और जिस दिन ये काम होगा, उस दिन यीशु मसीह का आने का दिन होगा, आमेन, हालेलुया। क्या होगा, जिस दिन ये चीज, क्योंकि ये अगर ये चीज हो रहा है, ऐसे वो अटैक कर रहे हैं, तो अभी यीशु मसीह के आने के दिन नजदीक आ रहे हैं। इसलिए मसीह लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा, हाँ लोग अपने कामों में बिजी हैं,
अभी, समझ आ रही है? तो अभी ये समय नजदीक है, बोलो क्या है। और जिस दिन ऐसा हुआ, यीशु मसीह उसी यरूशलम में, हाँ बोलो क्या है, उसी यरूशलम में, उसी शहर में जिसमें परमेश्वर ने जब दाऊद को चुना, क्या चुना, अपने दास दाऊद को, अब्राहम के बाद 1000 साल बाद परमेश्वर ने फिर इसराइलियों के ऊपर दाऊद राजे को चुना, क्या चुना, दाऊद राजे को। और उसके बाद फिर परमेश्वर ने सुलेमान को चुना, और फिर उसको, पहले परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि मेरा निवास स्थान नहीं है, तू मेरे क्या बना, एक निवास स्थान मेरा घर नहीं है, तू मेरे लिए मंदिर बना, हा? और वो बना नहीं पाया, फिर उस काम को दाऊद के बेटे सुलेमान ने किया और परमेश्वर के मंदिर को बनाया। पर लिखा उस मंदिर को बेबीलोन के राजा ने आकर क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, क्या कर दिया, नष्ट मतलब उसको डा दिया, खत्म कर दिया। फिर लिखा जरुब्बाबेल ने फिर से उस मंदिर की उसारी की, फिर से बनाया, क्या बनाया, और उस मंदिर पर फिर लिखा रोम साम्राज्य ने उसके ऊपर चढ़ाई कर फिर उस मंदिर का मतलब क्या कर दिया, खत्म कर दिया, क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और अब उसी जगह पे मुस्लिम वालों ने भी, मुस्लिम कंट्री उन लोगों ने भी अपनी एक जगह बना ली है, और वो ऐसे कहते हैं कि ये जो जो जगह, ये देश है हमारे पाक अल्लाह की सल्तनत है। इन लोगों ने, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने ऐसे इस देश को क्या है, क्योंकि वो देश परमेश्वर ने उन्हें दिया है, क्या है बोलो, क्योंकि वो देश फिलिस्तीनियों का देश था और उन्हें परमेश्वर ने दिया, और वो लोग जलन रखते हैं, वो आज भी इसीलिए उनसे झगड़ा करते हैं, और वो कहते हैं कि ये देश हमारे पाक अल्लाह की सल्तनत है, इसीलिए उन्होंने उन्होंने भी उस जगह पे एक जगह बनाई है, और वो कहते हैं कि यहीं से हमारा एक मोहम्मद पाक खुदा के पास गया है, हाँ ऐसे वो मानते हैं, और वो चाहते हैं कि इन लोगों को नष्ट करें, क्या करें, वो खत्म करना चाहते हैं। पर जिनके साथ परमेश्वर ऐसा कभी नहीं होगा, जिनके साथ परमेश्वर ऐसा हो कभी नहीं होगा, कभी भी। इसलिए जिस दिन ऐसा हुआ, बाइबल में लिखा है कि ऐसा होगा, जाति जाति के राज्य राज्य के लोग क्या करेंगे, चढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे। और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन यीशु मसीह का आगमन नेड़े है, उस दिन वो यरूशलम में उतरेगा और अपने लोगों को बचाएगा, क्या करेगा अपने लोगों को, देखो उसकी कितना इतिहास में ये चीजें पहले से लिखी गई, क्या लिखी गई है, ये ऐसी नहीं है। लिखा उस दिन वो यरूशलम में, उसी देश के उस शहर में उतरेगा और उतरकर अपने लोगों को, अपने जाति लोगों को वो बचाएगा, क्या करेगा, और 1000 साल वो यरूशलम में रहकर वो राज्य करेगा, राज्य करेगा, क्या करेगा वो, 1000 साल रहकर वो राज्य करेगा, राज्य क्या करेगा वो, 1 साल तक। और लिखा ये पहला पुनर्स्थान होगा, क्या होगा ये पहला पुनर्स्थान, समझे, पहला पुनर्स्थान मतलब जब यीशु मसीह ऐसा होगा तो वो आएगा, और एक उन सबसे पहले वो जो अरब जितनी भी कंट्री है वो उनसे अकेला लड़ेगा, हा? क्या लड़ेगा, तो उसे पूरी दुनिया चाहे मिलके एक साइड हो जाए उससे वो जीत सकती है, हा? और ऐसी घटनाएं जब आप प्राणी व्यवस्था में पढ़ो ना, इस वचन में प्राणी व्यवस्था में पढ़ो, तो बहुत जगह परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया, अपने दूत बेचकर, कैसे, अपने दूत बेचकर उन्हें बताया, जैसे दाऊद ने 60 लड़ाइयां लड़ी और 60 जीती, क्योंकि उसके साथ कौन था, समझते हो। इसलिए जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन यीशु का आना होगा, फिर वो 1000 साल उस देश में रहकर वो राज्य करेगा, क्या करेगा, राज्य करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, वो अपने लोगों को, चुने हुए लोगों को, तब तक लिखा जो मुर्दे 1000 साल तक सोए रहेंगे,
उठेंगे नहीं जब आएगा, वो सोए रहेंगे, पर जब वो 1000 साल राज्य करके जाएगा वो उठाए जाएंगे और उसके साथ चलेंगे। ये पहला पुनर्स्थान होगा। क्या होगा ये पहला पुनर्स्थान होगा। पर ये सब आत्मिक बातें, ये क्या है, ये सब आत्मिक बातें, शारीरिक नहीं। और आत्मिक बातें आत्मिक इंसान ही समझ सकते हैं, शारीरिक नहीं। क्या नहीं है? अभी न्यूज चैनल पर देखो क्या हो रहा है, फिर आपको पता चलेगा कि ये खाली न्यूज चैनल है कि परमेश्वर के हजारों साल पहले लिखी बातें आज पूरी हो रही है। सिर्फ ये टीवी न्यूज चैनल की बातें हैं कि ये हजारों साल लिखी बातें बाइबल में आज क्या हो रही है, पूरी हो रही है। ऐसे ही यीशु मसीह का दिन आने का दिन निकट है। बोलो क्या है? आने का दिन निकट है, इसलिए तैयार हो जाओ। क्या हो जाओ? और मुस्लिम पता क्या करते हैं, वो इसलिए अटैक करते हैं कि वो हमारे पाक अल्लाह को अगर आप मान लो तो फिर आप इसमें रहो आराम से, पर वो ऐसा हरकत भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके परमेश्वर की व्यवस्था, मतलब हमारे परमेश्वर की व्यवस्था में ये लिखा है, क्या है, कि मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मान, मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तो कैसे इस बात को मानेंगे? हाँ, एक आत्मिक बंदा मरनो, कैसे कहते हैं, मर जाएगा, पर इस बात को वो कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। कौन? सिर्फ एक आत्मिक बंदा। समझ आ रही? इसलिए आओ, उस देश के लोग हमारे पिता के देश के लोग हैं, उस देश के लोग हमारे पिता के लोग हैं, वही वंश जिसको परमेश्वर ने सबसे पहले चुना, और उसी वंश के द्वारा आज बाकी जातियों पर क्या हुई है, परमेश्वर की दया हुई है। इसलिए वो परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए आओ हम उस देश के लिए प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करो, जितने भी इस मीटिंग को ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी इस मीटिंग को ऑनलाइन देख रहे हैं, कि वो, क्योंकि वो हमारे पिता के, उस देश के लोग हमारे पिता के लोग हैं जो हमसे पहले चुने गए। अपने घुटने पर आओ और अपने हाथों को उठाओ, जितने ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, अपने घुटनों के बल होकर प्रार्थना करो उस देश के लिए, कि कोई अंधकार की शक्तियां परमेश्वर उनके विरोध कोई काम ना करे। तू शुरू से लेकर अंत तक अपने उनके साथ रहा, तूने मिस्र की गुलामी से निकाला, 40 साल जंगल में उन्हें संभाला, आज भी वही तेरी प्रतिज्ञा के ये लोग हैं मेरे परमेश्वर, ये तेरे लोग हैं। इसलिए तेरे वचन में लिखा है कि तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरे भाई बंधु मेरे भाई बंधु हैं। यस खुदा, मैं तेरा दास होने के नाते तेरे उस देश के निवासियों के लिए, तेरे चुने हुए वंश के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि डेवल की, शैतान की, तेरे चुने हुए लोगों के विरुद्ध हर उसकी चुक्ति नाकाम हो यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से, हर चुक्ति नाकाम हो। खुदावंद, तूने शुरू से अपने लोगों को संभाला और ऊंचा किया और खड़ा किया। यस खुदा, तूने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यस खुदा, मेरे खुदावंद, तू अपने लोगों को बचाने वाला और छुड़ाने वाला है, और शुरू से परमेश्वर आज तक तू ये अपना काम पूरा करता है। इसलिए खुदावंद, तू आज भी उनके साथ है मेरे परमेश्वर। तेरे दास की प्रार्थना है, तेरे दास की प्रार्थना है तेरे उन लोगों के लिए मेरे परमेश्वर, कि कोई अंधकार की शक्तियां उस देश के विरुद्ध कोई अटैक ना करने पाए, कोई नुकसान ना करने पाए परमेश्वर। तेरा आत्मा बड़ा चुंबस के साथ उस नगर की रक्षा करे, तेरे दूत उस नगर की, उस देश की राखी करे, तेरे दूतों के वाड़े को खुदावंद उस देश के चारों ओर बांधता हूं। यस खुदावंद, तेरे स्वर्ग की दूतों के वाड़े, उस दूत के वाड़े को मैं बांधता हूं यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से। यस खुदावंद, उस देश की रक्षा तेरे हाथों में हो, तेरी नजरों में हो, कोई अंधकार की शक्तियां
उस देश को छू ना पाए। यस खुदा, वो तेरे लोग हैं और तेरे आने तक, तेरे आने के दिन तक परमेश्वर वो लोग तेरी इच्छा में, तेरी मर्जी में और बढ़ते जाएंगे। यस खुदा, तेरा आना इस पृथ्वी पर मेरे यहोवा परमेश्वर जो लिखा गया तेरी इच्छा अनुसार हो, तेरी मर्जी अनुसार पूरा। यस खुदा, तेरी इच्छा और मर्जी को हम अपने जीवन में मांगते हैं और जीवन भर जब तक हमारे जीवन में प्राण है हम भी परमेश्वर तेरी इच्छा में तेरे आने की उस दिन की बात को हम जोते रहेंगे और तैयार रहेंगे। हम कोई भी परमेश्वर शरीर में रहकर कोई भी गलत काम, कोई पाप ना करेंगे मेरे परमेश्वर। ये तेरा भय, तेरा डर हमारे जीवन में तेरे आने तक बना रहे। यस खुदावंद, इन सब बातों के लिए मेरे खुदा ते तेरे उन देश के नवासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि तू मेरे मांगने और सोचने से भी ज्यादा करता है, और ऐसा यीशु के नाम से तू कर चुका। आमेन।